अस्सलाम वालेकुम टू माय लवली लवली यूट्यूब व्यूअर्स एंड माय लवली लवली सब्सक्राइबर। सो आज फ्रेंड्स मैं आपके लिए लेकर आई हूँ काली मिर्च चिकन हांडी। तो इसको आप अपने घर में किसी भी छोटे से ओकेजन पर या किसी फ्रेंड्स के या मेहमान के आने पर बना सकते हैं, या फिर अपनी फैमिली के लिए कुछ अच्छा सा या कुछ नया बनाना चाहते हैं तो इस रेसिपी को ज़रूर से अपने किचन में बनाएं और अपनी फैमिली को जब भी खिलाएंगे तो आप उनके ये डिश उनकी फेवरेट हो जाएगी और रोज डिमांड करेंगे आपको ये रेसिपी बनाने के लिए। तो चलिए इस रेसिपी को बना लेते हैं। तो इसके लिए ले लिया है मैंने ये 1 किलो चिकन और मैंने डाल दिया 1 टीस्पून नमक। सबसे पहले हम इसे मैरिनेट करेंगे और 1 टीस्पून ही डाल दिया है मैंने यहाँ पर काली मिर्च, और डालूंगी मैं इसमें 1 टेबलस्पून नींबू का रस, पहले से ही निचोड़ कर रखा हुआ था, और ये 200 ग्राम मैंने ली है दही। मैं दही इसमें कम इस्तेमाल करी हूँ। अगर आपको दही या ग्रेवी ज़्यादा चाहिए तो आप इसमें कम से कम 1 किलो में आप आधा किलो दही बिल्कुल डाल सकते हैं। 400 ग्राम तो डेफिनेटली इसमें डल ही जाएगी। तो अच्छे से इसे बिल्कुल मिक्स कर लेते हैं ताकि ये मैरिनेट हो जाए, और इसे अच्छे से ऊपर से लेके नीचे तक अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे कुछ इस तरीके से। आप चाहें तो हाथ से भी इसको अच्छे से मिक्स कर सकते हैं, यानी कि कोट कर सकते हैं इसे। अच्छे से मिला के इसको रख देंगे अब मैरिनेट होने के लिए। फ्रेंड्स तो आप देख सकते हैं पीसेस कितने प्यारे से कोट हो चुके हैं। तो इससे हम ये अच्छे से मिक्स हो चुका है, अब हम इसको रखेंगे 1 से 1.5 घंटे मैरिनेट होने के लिए। तो मैंने ले लिया है ये पैन और इसमें डाल रही हूँ 100 ग्राम करीब मस्टर्ड ऑयल। मैं इसे मस्टर्ड ऑयल में बनाऊंगी और आगे जब हांडी में बनाएंगे तब मैं इसमें बटर भी डालूंगी, क्योंकि काली मिर्च चिकन है तो डेफिनेटली बटर भी डलेगा। तो इसे अच्छे से गर्म होने देते हैं एकदम स्मोकिंग पॉइंट पर। फ्लेम को बिल्कुल मीडियम टू लो करने के बाद इसमें ऐड करेंगे ये प्याज। मैंने ले ली है यहाँ पर 200 ग्राम प्याज। अगर आप चाहें तो इसे कम भी कर सकते हैं अगर आप प्याज नहीं खाना पसंद करते हैं, नहीं तो इसमें प्याज इतनी ही डलेगी। ग्रेवी हमें ज़्यादा अच्छे से चाहिए होगी, क्योंकि हम इसे छोटी सी पार्टी के लिए अगर बनाएं तो हमें ग्रेवी ज़्यादा चाहिए होगी। तो इसे अच्छे से बस ट्रांसलूसेंट सा करेंगे, ब्राउन नहीं करेंगे, गोल्डन ब्राउन नहीं करना है। तो अगर हमें गोल्डन ब्राउन कर दिया तो हमारा जो चिकन है वो वाइट ना बन के एकदम रेड कलर पर आ जाएगा। हमें वाइट कलर देना है तो इसे बस हल्का सा ट्रांसलूसेंट करेंगे। और 3 से 4 टुकड़े मैंने डाल दिए छोटे छोटे अदरक के, ये 2 इंच की अदरक थी। 10 से 12 डाल दी है मैंने लहसुन की छिली हुई कलियां, और 2 बड़ी वाली हरी मिर्चें काट के डाली हैं, और 15 से 20 मैंने डाले हैं काजू। ये सिंगल वाले हैं, अगर आप डबल वाले लें तो क्वांटिटी कम कर लीजिएगा। तो इन्हें अच्छे से सौते कर लेंगे बस 1 से 2 मिनट। हमें कलर किसी भी चीज़ का चेंज नहीं करना है फ्रेंड्स, क्योंकि हम इसकी वाइट ग्रेवी बना रहे हैं। तो अब इसको हम अच्छे से, हम मुझे लग रहा है कि हाँ ये सौते हो चुका है, तो अब इसको रखते हैं एक साइड से फ्लेम को ऑफ करके ठंडा होने के लिए। और जब ये ठंडा हो जाएगा फ्रेंड्स तब इसे हम ट्रांसफर कर लेंगे मिक्सी के जार में कुछ इस तरीके से, और लेड लगाएंगे और बिल्कुल फाइन सा पेस्ट बना लेंगे। और इसको साइड रख देते हैं, पेस्ट बनाकर ले लेते हैं हांडी, क्योंकि हम इसको हांडी काले मिर्च चिकन बना रहे हैं। तो वो जो बचा हुआ ऑयल था जो मैंने प्याज में से बचाया था वो इसमें ऐड कर दिया है। ये 3 से 4 टेबलस्पून ऑयल होगा, और इसमें एक छोटा वाला जो अमूल का पैकेट आता है, छोटा वाला जो आता है, वो मैंने उसमें पूरा ऐड कर दिया है। इस तरीके से काली मिर्च चिकन बना रहे हैं तो ऑब्वियसली बटर तो जाना ही है। और इसमें कुछ गरम मसाले ऐड करूंगी, जैसे कि ये 2 तेज पत्ते, 2 इंच की ये दालचीनी, और इसमें डालूंगी 3 छोटी इलायची जो मुझसे छूट गई हैं फ्रेंड्स, और 3 ही मैंने डाली हैं इसमें काली मिर्चें। इस एक्सेसिव हम गरम मसाला नहीं डालेंगे इसमें बिल्कुल भी, ताकि गरम मसाला जो आएगा तो वो फिर अच्छा नहीं लगेगा। पिसा हुआ गरम मसाला भी ऐड नहीं करेंगे क्योंकि वो इसका कलर चेंज कर सकता है, हमें इसे वाइट ही बनाना है। तो वो जो पेस्ट हमने बनाकर रखा था प्याज और काजू वाला, उसमें हमने हरी मिर्च भी डाली थी पर कलर चेंज नहीं हुआ है हरी मिर्च से, क्योंकि हरी मिर्च से कलर चेंज नहीं होता है, हरे धनिया से कलर चेंज होता है। तो इस वाले ऑयल और मक्खन में इसमें डालकर इसे अच्छे से भूनने देंगे, हल्का हल्का सा ऑयल रिलीज होने देंगे इस पेस्ट का, रेगुलर चलाते रहें। काजू है नीचे तले पर लग सकती है, फ्लेम भी बहुत तेज नहीं करनी है, तेज फ्लेम से नीचे लग कर ग्रेवी का जो कलर है वो चेंज हो सकता है। बस मीडियम टू लो फ्लेम पर ही हमें इसे सौते करना है, तब तक जब तक ये अच्छे से हल्का सा ऑयल रिलीज नहीं करता। ओके,
बस इसको ऑयल रिलीज करने तक हमें हल्का सा ऑयल रिलीज हो जाए तब इसमें हम मैरिनेट हुआ हुआ चिकन ऐड कर देंगे। हमने इसमें और कोई एक्स्ट्रा मसाला ऐड नहीं करना है, हमने इसे 1 से 1.5 घंटे तक रखा था। आपके पास ज़्यादा टाइम हो तो आप ज़्यादा देर भी इसे मैरिनेट होने के लिए रख सकते हैं, क्योंकि हम जितना मैरिनेट होने के लिए रखेंगे उतना ही हमारा चिकन फ्लेवरफुल बनेगा। तो फ्रेंड्स अब ये सभी मैं ऐड कर चुकी हूँ और इसे अच्छे से इस तरीके से अलट पलट करते हुए और चलाते हुए इस ग्रेवी में ऐड करेंगे और इसको अच्छे से मिक्स करते रहेंगे और थोड़ी सी देर के लिए हम इसे ऐसे ही छोड़ेंगे ताकि ये अच्छे से गर्म भी हो जाए, भुन भी जाए और हल्का सा जो इस पानी खुद छोड़ता है वो पानी भी छोड़ेगा। हमें अभी इसमें कोई पानी वगैरह डालने की ज़रूरत नहीं है फ्रेंड्स, अभी ये जो चिकन है हमारा खुद से पानी छोड़ेगा। तो इसे पकने देते हैं थोड़ी देर, हल्का हल्का सा बीच बीच में चलाते भी रहेंगे। अभी मैंने लिड लगा दी है क्योंकि हमें इसे चलाना भी ज़रूरी है, क्योंकि इसके अंदर जो हमने काजू डाला है वो तले पर बहुत जल्दी लग सकता है। तो 5 से 10 मिनट बाद आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से हमारा जो चिकन है अब टेंडर होना शुरू हो गया है, पर इसे हम बीच बीच में चलाते रहेंगे और लिड वापस से ढक देंगे। जितना ढककर हम पकाएंगे अपने खाने को उतना ही टेस्ट इसका इन्हांस होने वाला है। तो आप देख सकते हैं कितने अच्छे से ये अंदर अंदर पक रहा है। तो एक बार फिर से मैं इसे चलाऊंगी बीच बीच में, इसे चलाना ज़रूर है। तो मैं आपको दिखाऊं तो हमारा जो चिकन है वो अच्छे से टेंडर हो चुका है, क्योंकि जो स्किन है इसकी जो बोश है वो पूरा चिकन पे से टूट रहा है, यानी कि लेग पीस पे से टूट रहा है। मैं आपको बोटी तोड़कर दिखाती हूँ, कुछ इस तरीके से देख सकते हैं आप। तो अच्छे से ये टेंडर हो चुका है, बस इसे अच्छे से हमें भून लेना है जब तक ये ऑयल रिलीज नहीं करता। बस अब इसे खोलकर पकाएंगे। अभी मैंने इसमें जुलियन कट अदरक, जुलियन कट हरी मिर्च और 1 टीस्पून फिर से काली मिर्च पीसी हुई डाल दी है और 1 टेबलस्पून भर के मैंने बटर भी डाला है इसके अंदर। तो इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फिर से इसे पकने देंगे, और जब तक पकने देंगे जब तक ये हल्का हल्का सा ऑयल रिलीज नहीं करता। हल्का हल्का चलाते रहेंगे कुछ इस तरीके से, बिल्कुल भी एकदम छोड़ना नहीं है, बीच बीच में चलाते रहें, नहीं तो काजू वाली ग्रेवी नीचे तले पर लग सकती है। अब ऑयल रिलीज होना शुरू हो चुका है फ्रेंड, आप देख सकते हैं कितना टेस्टी और कितना यामी हमारा चिकन बन रहा है, ऑलमोस्ट बनकर रेडी है फ्रेंड्स ये। तो आप देख सकते हैं नाउ इट्स रेडी टू सर्व। हल्का सा हम इस पर अब थोड़ा सा स्प्रिंकल करने वाले हैं हरा धनिया, जो इसका लुक और भी ज़्यादा टैम्पटिंग करने वाला है फ्रेंड्स। बट आप इसका क्लोज लुक देख सकते हैं कितना एकदम माउथ वाटरिंग हमारा ये काले मिर्च चिकन हांडी बनकर तैयार हो गया है। आप इसे छोटी सी किसी ओकेजन पर बना सकते हैं, घर में कोई फंक्शन हो तब बना सकते हैं, या फिर अपनी फैमिली के लिए कुछ अलग सा ट्राई करना चाहते हैं तो आप इस रेसिपी को ज़रूर से ट्राई करें। अगर आपने एक बार ये रेसिपी बनाकर अपने अपनी फैमिली को खिला दी ना, तो वो आपसे हर दूसरे दिन यही डिमांड करेंगे नाउ इट्स रेडी टू सर्व। तो आप भी फ्रेंड्स मेरी इस रेसिपी को अपने किचन में ज़रूर से ट्राई करें, अपनी फैमिली के लिए बनाएं, खाएं, खिलाएं। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और जो लोग नए हैं वो बेल आइकन को ज़रूर दबा लें ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले, मेरी वीडियो सभी को पहली बार फ्री में देखने के लिए मिले। तो चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा, मिलेंगे अगली किसी इंटरेस्टिंग सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, शब खैर, रखिएगा अपना और अपने अपनों का ख्याल, और रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें और सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।